इज माई लास्ट डे इन दिस गॉर्जियस सिटी बार्सिलोना। और अभी मॉर्निंग के 7 o'clock हो रहा है, 6 o'clock पे मैं घर से निकला था और मैं गलती से किसी और टर्मिनल पर रुक गया हूँ, टर्मिनल टू सी पर, और मुझे जाना था टर्मिनल 1 पर। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ कि यार एक और बस आएगी एंड देन इट विल टेक मी। तो टर्मिनल 1 के लिए जो बस है वो 46 है, तो 46 बस का वेट कर रहा हूँ, विद इन 15 मिनट्स इट विल कम। तो सोचा आप लोगों से बात कर लूँ, जब तक मैं माल्टा जा रहा हूँ जस्ट फॉर वर्क पर्पस, तो वहीं पर मिलने वाले, और बहुत टाइम से वेट ही कर रहा था कि कब जाना होगा। तो फाइनली अब जाने वाले हैं, वहाँ की सिचुएशन के बारे में और पता लगाएंगे कैसी है क्या है और सारी चीज़ें। तो अभी बस मेरी फ़्लाइट जो है वो 9:20 पर है और मैं 11:30 पर वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। 2.5 hours की फ़्लाइट है स्पेन टू माल्टा की, और माल्टा की जो फ़्लाइट हुई है वो नियरली 80 euros की हुई है मेरी, इंक्लूडिंग 1 additional bag। तो काफ़ी कॉस्ट कम है एज सच देखा जाए तो। यूरोप में ट्रैवल करोगे तो हमेशा यही फील करोगे। और अभी तो यहाँ पर ना कोई परिंदा पर मार रहा है, जहाँ पर हूँ मैं अभी फ़िलहाल कोई भी नहीं है। बस वेट कर रहा हूँ यहाँ से आएगी बस, और फिर जाऊँगा मैं टर्मिनल 1 पर, और कोविड टेस्ट वगैरह करा लिया है। बस प्रॉब्लम ये है कि मैंने जो PCR टेस्ट की रिक्वायरमेंट रहती वो नहीं कराया, मैंने नॉर्मल जो रैपिड टेस्ट होता है एंटीगोनिस टेस्ट वो वाला करवाया है। एयरपोर्ट पर आ चुका हूँ बार्सिलोना के, और अभी 1 hour है मेरी फ़्लाइट में। तो फर्स्ट टाइम मैं ट्रैवल करने वाला हूँ, ये नई एयरलाइन है वेलिंग एयरलाइन से। टिकट मुझे इंस्टेंटली बुक किया था तो 80 euros का पड़ा। अदरवाइज़ यूरोप में अगर आपको ट्रैवल करना हो तो काफ़ी कम कॉस्ट में आप कर सकते हो। अगर पहले से बुक करोगे तो गए सिर्फ और सिर्फ 10 euro 15 euro में भी आपको टिकट्स मिल जाती यूरोप में। बट मैंने एंड टाइम पर करी थी क्योंकि मेरे प्लान्स थोड़े से फिक्स नहीं रहते हैं, वो चेंज होते रहते इसलिए। तो अब आफ्टर 1 hour फ्लाइट है, एंड बस बात इतनी सी कि जो मैंने रैपिड टेस्ट करा है वो ये लोग एक्सेप्ट कर ले। बस बैग तो मैं ये वाला लेकर आ चुका हूँ इनसाइड, और ये बैग का भी एक प्रॉब्लम ये है कि ये लोग कैबिन में जाने देंगे या नहीं, तो वो अलग प्रॉब्लम है मेरे साथ। काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से, बहुत सारे प्लेन्स हैं, और बट हाँ थोड़ी सी ये जो ग्लास है वो बहुत ज़्यादा डर्टी है, अदरवाइज़ शानदार व्यू है। और बैक साइड पर भी देख सकते हो ये वेटिंग एरिया है, सब वेट कर रहे हैं यहाँ पर बार्सिलोना के एयरपोर्ट पर, और एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है गाइस। मैं टर्मिनल 2 पे उतर गया था, फिर मैंने सोचा कि टर्मिनल 1 बहुत पास होगा, लेकिन बहुत दूर था, नियरली लाइक 5 kilometers का डिफरेंस था टर्मिनल 2 से टर्मिनल 1 के लिए। कुछ लोग तो सो रहे हैं अभी भी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यार लिटिल नहीं तो मुझे भी आ रही है, बट फिर मैंने कहा अब जाने दो, अब इसको भगाओ कैसे भी करके। तो हमारे प्लेन की तरफ बोर्डिंग के लिए, क्योंकि मैं बोर्ड हो चुका हूँ और मेरी जो जर्नी है वो 2.5 hours की है, तो मेरे को विंडो सीट बेसिकली मिली नहीं है, बट ये यहाँ पर एम्प्टी थी तो इसीलिए। और मेरे साथ बहुत लकी हूँ यार मैं, लिटरली कहीं ना कहीं ये कह सकते हो विंडो सीट के मामले में, तो ये हमेशा मुझे विंडो सीट मिल जाती है। क्राउडेड है यार ये फ़्लाइट, मैंने सोचा अभी तक तो मेरा टेस्ट मतलब देखा भी नहीं उन लोगों ने, जो COVID-19 का रिपोर्ट था ना वो नहीं देखा, मे बी वो लोग माल्टा में चेक करेंगे। तो ब्यूटिफुल आइलैंड माल्टा, जिसे जिन लोगों को नहीं पता माल्टा एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है और एक आइलैंड है बेसिकली। आपने व्यू भी देखा हो, आप लिटरली मैंने इतना इनक्रेडिबल व्यू अभी तक इतनी जर्नीज करी है उसमें कहीं भी नहीं देखा है।
तो मेरा यहाँ पर PCR टेस्ट हुआ और यू नो गाइस जितनी भी नर्सेज थी सारी इंडियंस थी, तो काफ़ी अच्छे से बात करी उन्होंने और उन्होंने टेस्ट किया। 20 मिनट्स वेट किया मैंने एयरपोर्ट पर ही, और बैक साइड पर एयरपोर्ट है यहीं पर, उसके लिए वेट करा। एंड देन अब मैं जा रहा हूँ मेरे घर पर, मेरी प्लेस पर जहाँ पर मेरा अकोमोडेशन है। तो काफ़ी अच्छी थी यार ये राइड, मतलब और जो व्यूलिंग एयरलाइंस का एक्सपीरियंस रहा मेरा बहुत सही रहा यार, मतलब लग्जरी थी, अच्छी एयरलाइन थी, स्पेन की है, मज़ा आया उससे ट्रैवल करने में। अब यही टैक्सी की बात चल रही है, यहाँ पर मुझे एक फ्रेंड मिले तो मैंने उनसे शेयरिंग के लिए बात करी कि चलो शेयर करके चलते, तो वो टैक्सी बुक कर रहे हैं एंड देन विल गो टुगेदर। बार्सिलोना की फ़्लाइट से आते आते आई मेट रिकार्डो एंड नाउ वी आर शेयरिंग अ कैब हियर। सो हाई रिकार्डो, सी हेलो टू आवर ऑडियंस। हेलो मारी, हाउ आर यू डूइंग? सो रिकार्डो इज आल्सो फ्रॉम स्पेन एंड ही इज वर्किंग हियर इन माल्टा, सो एंड स्पेशली इन गेमिंग इंडस्ट्री आई लव द मोस्ट। सो रिकार्डो, टेल समथिंग अबाउट माल्टा और स्पेन। वाओ, I told everybody to come because, well, this is a great, such a nice place. Mm-hmm. It's an amazing place, to be honest, to go out. Well, not right now. Mm-hmm. This situation is getting crazy, but in a normal situation, mm-hmm. this is the best place ever to come. So you should visit Malta. Yes. So did you had a PCR test in Spain or here? Here, yeah. I also had here only. So it was nice here because in Barcelona they were charging 100 euros for the PCR test and my flight is of 70 euros. See. That's crazy. Yeah. All right. So now he'll go to Sliema and I'll go to St. Julian's, and it was really nice to meet you, Ricardo. Nice to meet you, Ari. Thank you. Thank you. जैसे ही इस घर में पहुंचा मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, मैंने खाना खाया, ये पिज्ज़ा वगैरह ऑर्डर कर दिया था इन लोगों ने, एंड देन फिर उसके बाद मैं बहुत गहरी नींद में सो गया। सोने के बाद अभी उठा हूँ और अभी हो रहा है 5:30 शाम के, और ये ऐसा कुछ है घर जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, इसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। मेरा बेड है और ये बालकनी है बहुत सुंदर से, इसके बारे में भी हम डिटेल वीडियो बनाएंगे पर्टिकुलरली। तो अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ अपने फ्रेंड के यहाँ और उसके बाद उससे मिलेंगे वहाँ पर, और आपको जब तक कुछ दिखाता हूँ जो भी मेरे को इन द वे पड़ेगा। तो आज सो गाइस ये रहा मेरा घर बर्गन की के अबव, और यहाँ से ये जो एरिया है ये बहुत ही ज़्यादा पॉश एरिया, और यहाँ पर जितने भी पब्स बार्स क्लब्स आपको यहीं पर दिखने वाले। तो अभी तो मैं अपने फ्रेंड के यहाँ जा रहा था, वहाँ चलते हैं, इस साइड से हैं, और यहीं से आपको अगर आप देख पा रहे होंगे तो वो सी भी दिख पा रहे हैं यहीं से, तो बहुत ही प्राइम लोकेशन पर है ये बिल्डिंग। दिस इज़ माल्टा फॉर यू। और मुझे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस मतलब लॉकडाउन नहीं लग रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, तो रिस्ट्रिक्शंस है यस, बट लॉकडाउन नहीं है कम्प्लीट। सो इस चीज़ के लिए फेमस है ये जगह, और सामने है कैसीनो, और वाह सब लोग बैठे हैं, अमेजिंग। मुद्र को देखते देखते मैं गलत प्लेस पर आ गया, उसके घर थोड़ा यहाँ से उस साइड पर, और यहाँ से मैं जा नहीं सकता, तो वापस मुझे जाना पड़ेगा बैक साइड पर और फिर वहाँ से उसके घर जाऊँगा, तो बेसिकली वापस जाना पड़ेगा। बाकी बहुत अच्छा व्यू है यार, अच्छा लगा यहाँ पर आकर लिटरली आफ्टर सो लॉन्ग। माल्टा मेरा सेकेंड होम टाइप ही है गाइस, आता रहता हूँ, इन्जॉय करता हूँ, मिलता हूँ अपने दोस्तों से और ऐसे ही चलता है। सो यहाँ की हवा में ही कुछ जादू है गाइस, लिटरली माल्टा को आज तक ऐसे नहीं देखा है, हमेशा लोग रहते हैं बहुत सारे, पार्टियाँ चलती रहती स्ट्रीट पर, तो बट अब कुछ भी नहीं है फिलहाल अभी, और लेकिन जल्दी स्टार्ट हो जाएगा इतना भी मुझे पता है। करते करते यहाँ पर आ गए सेंट जूलियंस। वैसे हम लोग सेंट जूलियंस एरिया में ही हैं, बट ये बहुत फेमस स्पॉट है क्योंकि ये सेंट जूलियंस का सेंटर है। यहाँ पर बहुत सारी शिप्स दिखेगी, और ऐसे ही कोई सा एक अपार्टमेंट है उसका भी, क्योंकि वहाँ से जब मैंने उसको वीडियो कॉल किया था तो उसका भी ऐसे ही कुछ दिख रहा था, तो अब मैं उसी की लोकेशन पर जा रहा हूँ। काफ़ी कूल प्लेस है यार। चलो और चलते आगे, हम कहाँ हैं उसका घर। और आज काफ़ी लोग बाहर है बिकॉज संडे भी हो सकता है, ये भी रीज़न हो सकता है एक।
काफ़ी लोग, और सनलाइट बहुत अच्छी थी आज, तो सनी डे था तो इसी के कारण में भी बहुत सारे लोग जब मैं आ रहा था जॉगिंग करते हुए दिख रहे थे मुझे। मेरे दोस्त के यहाँ आ गया हूँ, वो रहा रजा, वहाँ पर वो चल रहा है, और एक्चुअली मैंने उसको बोला कि यार मुझे ना चाय पीना है, तो वो चाय के कारण हम लोग अब बाहर दूध लेने जा रहा है क्योंकि उसके घर में दूध खत्म हो गया है, एंड देन चाय पिलाना तो बनता है अभी, तो हम लोग जा रहे हैं दूध लेने, फिर इसके घर पर चलते और चाय वाय बना के पियेंगे साथ में। तो इस बंदे से मिलने में माल्टा आया हूँ और इसके रोजे चल रहे, इसलिए ये मैंने इसको मैसेज किया कि यार तेरा एड्रेस भेज घर का, मैं एयरपोर्ट पे खड़ा था और इसने बंदे ने मेरे को एड्रेस तक नहीं भेजा, मेरे को दूसरे से लेना पड़ा। अरे झूठ बोल रहा है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसके तो क्या बोलते हैं व्यूज पाने के लिए। अरे बंदा, बंदा सही नहीं है। नहीं यार, तो रजा से मिलने में आया हूँ माल्टा में और अभी हम जा रहे हैं दूध लेने, वहाँ पर फिर दूध लेंगे, चाय वाय बनाएंगे, फिर थोड़ी बातें करेंगे, बहुत टाइम से मिले नहीं है, बहुत टाइम हो गया रजा, क्यों काफ़ी टाइम, तो वहीं जा रहे हैं, तो फिर हम लोग मिलते हैं और स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट व्लॉग्स इन माल्टा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइज़।